हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। राजीव कुमार विधान परिषद बेगूसराय खगड़िया के अथक प्रयास से पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में होगी वृद्धि, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। तेगरा, बिहार के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के लिए लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग राजीव कुमार विधान पार्षद बेगूसराय खगड़िया सदन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से करते आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। इस घोषणा को लेकर बेगूसराय जिले के जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं विधान परिषद राजीव कुमार के प्रति जनप्रतिनिधियों ने आभार प्रकट करते हुए एक दूसरे की मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया और जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान के प्रति उचित कदम बताया। इसी कड़ी में तेगरा अनुमंडल के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं MLC राजीव कुमार को बधाई देते हुए प्रखंड कार्यालय स्थित MLC प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्र के आवास पर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर MLC राजीव कुमार के तेगरा अनुमंडल प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्रा उर्फ गोरेलाल बाबा ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं MLC राजीव कुमार को साधुवाद देते हुए की विधान पार्षद राजीव कुमार के अथक प्रयास और मेहनत तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शिता का प्रतिफल है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि के इस सराहनीय कार्य के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं। निपनिया मधुरापुर के मुखिया चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एक महीने पूर्व थी माननीय MLC राजीव कुमार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जनप्रतिनिधियों के सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि के लिए पत्र सौंपने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था और 7 जनवरी को मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का तोहफा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार 7 जनवरी को एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। जदयू प्रखंड महासचिव अविनाश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शिता की वजह से पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर किया। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। इसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं समाज का नेतृत्व करने को लेकर सशक्त बनी। सभी पंचायतों को वार्ड में सोलर स्ट्रीट लगाई गई। पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें पंचायत के सभी लोगों की समस्याओं का समाधान की छत के नीचे हो सकेगा। मौके पर गौरा 2 के सरपंच सियाराम रजक, वार्ड संघ के नेता गिरीश कुमार राय, पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शंकर, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि कन्हैया कुमार आदम, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि रमेश पंडित, वार्ड संख्या सदस्य संघ घोगना के मुकेश चौधरी, उप मुखिया छोटन रंजक, बछवाड़ा के वार्ड सदस्य दिग्गज कुमार, अमित कुमार आदम, विकास कुमार, राकेश कुमार सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि आदि ने विधान परिषद एवं मुख्यमंत्री के आभार प्रकट किया। समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच सभी की समस्या राजीव बाबू को हम अवगत कराते थे और आज उस पहल पर, मानदेय के पहल पर आज जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके आज जो है सो वेतन में वृद्धि किया गया। उसी के खुशी के उपलक्ष्य में आज हम लोग एक दूसरे में सर्वप्रथम पंचायती राज के माननीय विधान पार्षद सदस्य माननीय श्री राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पंचायती राज जनप्रतिनिधि के सरकार के समक्ष बने का काम किया। बहुत ही खुशी की बात है
मानदेय में भी होना वृद्धि हुआ है। इसी के खुशी में हम लोग बिहार एक दूसरे को खुशी का इजहार किए हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री